के लिए आए हमारे मामू को आर्मी ले गई। हम शाम के वक्त 8:30 बजे हम खाना खा रहे थे, बस हमने खाना स्टार्ट किया था, आर्मी वालों ने बाहर दरवाजा नॉक किया। मेरे बड़े वाले मामू उठे, इन्होंने दरवाजा खोला, इन्होंने आर्मी देखी वहाँ पे। इन्होंने आर्मी वालों को बोला क्या बात है, क्या आप क्या ढूंढ रहे। इन्होंने बोला हमें रशीद भाई चाहिए। इन्होंने इनको बोला कि आपको क्यों चाहिए, क्या रीजन क्या है, आप यहाँ पे आए। इन्होंने बोला हमें बस पूछताछ करनी है। तो ये फिर से इन्होंने बोला इनको कि सरपंच साथ है, कोई भी आपने पुलिस को फोन किया। इन्होंने बोला हमने पुलिस को फोन किया है, हम बस अब। इन्होंने बोला पुलिस साथ क्यों नहीं है। मेरे बड़े वाले मामू ने इनको बोला पुलिस साथ क्यों। इन्होंने बोला हमने उसको कॉल किया, जो मेरी दूसरी वाली मौसी है उनके मतलब उनके साथ में ही वो सरपंच रहता है, इन्होंने इसको कॉल किया। अब सरपंच हमारे घर आए और इन्होंने ये ना ऐसे ही चढ़ गए बच्चों के ऊपर, जो बर्तन में खाना रखा था वो तक उन्होंने देखा कि इसमें क्या है। फिर ये छोटे बच्चों के ऊपर से चढ़ गए, जो इसका फादर है, जो रशीद है ना, जो मेरे मामू है, इसके फादर के ऊपर से चढ़ गए। वो 9 साल से बीमार है, वो एक जिंदा लाश है घर पे। इनकी माँ जो है वो भी एक जिंदा लाश बन चुकी है। और हमने इनसे पूछा रीजन क्या, आप यहाँ पे आए क्यों है। इन्होंने बोला बस हमें इनकी पूछताछ करनी है, आप कल 10 बजे वहाँ पे त्रह गांव में आना और इसको ले जाना। अब हमने सोचा, इन्होंने बोला मेरे बड़े वाले मामू ने इनको बोला हम साथ चलते हैं, हम देखते हैं क्या बात है। इन्होंने बोला बड़ी बात नहीं है, बस आप कल 10 बजे आना और इसको ले जाना। और जब कल मेरे मामू वहाँ गए, इन्होंने इनको अंदर नहीं जाने दिया, बोला यहाँ पे वो सर नहीं है, टाउन कमांडर नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर 1 बजे हमने इनको फिर से कॉल की, तो इन्होंने बोला हम अभी सर्च पे हैं, हम अभी नहीं बोल सकते कुछ भी। हमने फिर से इनको कॉल की, इन्होंने बोला लास्ट में इन्होंने बोला हमें पता ही नहीं है, वो भाग चुका है। ये कैसे भाग चुका है इनके पास, जब ही हमारे घर आए तब 10,000 से ऊपर फौज थी हमारे, जो हमारे आंगन में ना इन्होंने इतना ज्यादा, इन्होंने पूरा मकान घेर चुका था। हमारा घर भी वही है, वहाँ पे भी मेरी दूसरी मौसी के घर भी इन्होंने तलाशी की। बस अब हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारे मामू यही यहाँ से सही सलामत गए, ये हमें वापस क्यों नहीं दे रहे। ये वहाँ पे बोल रहे हैं वो भाग चुका है, कैसे भाग चुका है वो, इनके 10,000 फौज में कैसे भागेगा एक इंसान। हमें बस इंसाफ चाहिए। ओत पंदे 8:30 बरदर नमुत 41 RR त्रेगाम टाउन कमांडर तो न्यूक 8:30 गर बोय गर कड़ नो तिमन सरपंच सो तिमन वार्ड मेम्बर सो पुलिस सफारमेशन गई तो पत् कम अस पे सरसि गाम कारण अर पम अन सरपंच पानी सत्या दोप तमें तुम पुलिस वुलिस सो दो तिमन इनफार्म कोर्मुत एस पी एस कोर्मुत पत् एस एच ओस त्रहगाम एस एच ओ सोबस फोन तो तम दो ना अच्छा कह इनफार्म पत् गए डी सी सोबस गए एस पी सोबस तमो वो ना अच्छा कह इनफार्म तो गए पमो दो सुबह ईजो 10 बजे सरपंच सोबन कौर हवाल फैमिली सैन कौर तेज मे ये टाउन कमांडर सवाल तो अस कर पम तमो दो सुबह 10 बजे ईजो तुम कैंपस मह अम गए सुबह कैंपस मज़ दो टाउन कमांडर बहुस कत बह हन समित कि मे पूछताछ चलान तो गए योड़ क्या डी डी सी मोहम्मद अब्दुल्ला तमिस नाव डी डी सी गए तमें टाउन कमांडर फोन तमें वो तमिस दा सर तुम क्या चुकना मुलाकात दिवान तम दो विकस हेको मुलाकात दिख कह वे तो गई थानस पे थानस पे गए तक गो एस एच ओ सोब तुम ना सर अब्दुल रशीद डार सोस मजूरी कर सो आटो चला मतलब पन्न मतलब इंसाफ अस गो बोय वातन गर।